जैसे मम्मी पहले डांटती थी ना कि पापा भी डांटते, तो अभी पुष्पा होती तो वो भी डांटती, ये क्या उल्टे काम कर रहा है। तो देखो जी, हाँ हाँ मस्त चीज है ना, ऐसा टेस्ट ने पहले कभी नहीं दिया होगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है, है क्या। तो दोस्तों, आपने जब भी मुझे देखा होगा ना, तो कुछ ना कुछ बनाते ही देखा होगा, कुकिंग करते हुए ऐसे, है ना, मतलब खाना बनाते हुए, दाल सब्जी ये वो, है ना। लेकिन असल बात ये है कि भी कुकिंग की आदत, ये कह सकते हैं कि कुकिंग हमने शुरू कब से की, तो कुकिंग शुरू करने का ऐसा था, बहुत छोटे होते ना तो हम चिन्नी के पराठे खाया करते थे। तो चिन्नी के पराठे में जब वो चिन्नी को, मतलब पराठे को जब सेकते हैं तो चिन्नी पिघल सी जाती है ना, तो वो देख कर दिमाग में आएगी कुछ हम भी कर रहे हैं। तो छोटे होते थोड़ा सा दिमाग ऐसे ही होता है कि चलो जी, मतलब उल्टे काम करने की ज़्यादा चस्का होता है, तो उल्टे काम वो भी सावधानी के साथ किए। तो उस सिलसिले से हमने कुछ बनाने के, मतलब वहाँ से शुरुआत की कुकिंग करें, मतलब बहुत छोटी उम्र में, यानी कि मान लीजिए 5-6 साल, मतलब फर्स्ट में था मेरे घर से, हाँ ऐसे में, तो बहुत छोटे से, मतलब फर्स्ट सेकंड के हिसाब से ही, मतलब 5-6 साल 7 साल इतने, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत छोटा था तब, तो मतलब वहीं से शुरुआत हो गई थी। तो कैसे क्या बनाया तो दिखाता हूँ मैं आपको। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें चाहिए चीनी, ये थोड़ी सी चीनी और तवा, ठीक है, थोड़ा सा तेल भी। लेकिन तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं कुकिंग कैसे शुरू हुई, मतलब तो कुकिंग करके दिखाता हूँ वो चीज़ जो हम बनाते थे, ठीक है। तो उसके लिए तवा चाहिए, तो हम ये करते हैं जी, चलो गैस करते हैं ऑन, चलो गैस हो जाएगा जी, तवा, ठीक है, तवा रख लिया, अब इसको गर्म होने देते हैं। तो आज मैं मतलब करीबन नहीं तो ये 35 साल पहले या 35-36 साल के बाद, मतलब वो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या 30 साल कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो लगातार हमने फिर खाया थे 8-5 साल तो बना के खाई, और भी चीज़ें थी। पहले सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वो चीज़ से जिससे हमने शुरू किया, मतलब देख के, है ना। मम्मी के साथ छोटी छोटी रोटियां तो बनाते ही थे, लेकिन असल जो कुकिंग थी, जो मतलब अपने आप से सोलो कुकिंग जिसको कह सकते हैं, वो क्या किया, वो ये किया कि उल्टे काम, है ना। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें बनाई थी, वो बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें आँच लग गई है अच्छे से, अब इसमें थोड़ा सा, और इसमें अब थोड़ा सा ना रिफाइंड घी लगाएंगे, क्योंकि उस समय हम पराठे खाते थे ना छोटे होते थे, तो रिफाइंड होता था, डालडा घी होता था, तो डालडा तो नहीं, चलो हम इस वाले तेल से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा देखो, इसमें जो अच्छे से डाल दिया, ठीक है, और ये डाल लिया, और ये डालने से आप समझ गए होंगे कि अब चिन्नी जो है चिपकेगी नहीं इसमें, है ना। तो इसको ऐसे थोड़ा सा फैला लेते हैं अच्छे से, हालांकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, पर नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अच्छे से, ताकि चिन्नी ना चिपके ना, तो इसको अच्छे से फैला लेते हैं, बस ठीक है, ये गर्म भी हो गया। और अब आता है सबसे बड़ी चीज़, इन्ग्रीडियंट हमारा ये चीनी, ठीक है। और हाँ, इसको जो थोड़ी सी ना धीमी आँच करनी पड़ेगी, क्योंकि आँच भी बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी चीनी जो है जल जाएगी, ठीक है। तो ये गया चीनी इसके अंदर, ये बन गई चीनी, ठीक है। तो देखो ऐसे करके हम थोड़ा बहुत इसको बर्बादी भी कह सकते हैं वैसे हम, तो लेट्स ट्राई। और इसमें औजार जो है हमारे पास, ये होना ज़रूरी है। तो ये देखो, इसको चीनी को ऐसे फैला लेते हैं, ये देखो सारी एक जगह इकट्ठी होगी, अब इसको थोड़ा सा ऐसे पिघलने देते हैं, ये देखो चीनी पिघलने शुरू हो गई है, ये देखो चीनी पिघलने शुरू हो गई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से इस अच्छे से चीनी को पिघला लेना, ठीक है। ये देखो, हाँ बस इसको हिलाते रहो, और ये रंग भी देखो इसका चेंज हो रहा है, वाह वाह वाह, बस ऐसे ही, और लगभग तैयार हो गए, ज़्यादा जल ना जाए इसलिए अब इसको बंद कर लेते हैं, गैस को करो बंद, बस। तो ये आँच बंद हो गई, और ये चीनी का हमारा, बस अब इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी सेट होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको ये देख रहे हो, अब ये चीनी हो गई ऐसे, और इसको अब एज इट इज़ मैं इस प्लेट सी में निकाल लेता हूँ, ये देखो ये गया,
ये चीनी निकल गई सारी। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब थोड़ी देर में देखेंगे कि ये क्या बना। ठीक है, जब ये पिघल सारा सेट, ओहो ओहो ये देखो कैसा हो गया। चलो ये पापड़ थोड़ा सा, वाह ये तो अजीब सा स्टाइल बन गया है। चलो अब इसको ठंडा होने देते हैं। सबसे मेन बात है कि अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठीक है, चलो जैसे ही ठंडा होगा फिर मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी ये गर्म है, अभी गर्म है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलो देखो लगभग बन ही गया है। 35 साल बाद बनाया, तो अभी मैं डिस्ट्रिक्टों की पुष्पा नहीं है ना, ऐसे उल्टे काम के लिए घर में जो है वो जैसे मम्मी पहले डांटती थी ना कि पापा भी डांटते, तो अभी पुष्पा होती तो वो भी डांटती, ये क्या उल्टे काम कर रहा है। तो चलो देखते हैं क्या बना। तो लो जी दोस्तों, देखो मैं अंदर ले आया हूँ इसको, और इसको निकालने के लिए अब चाकू चाहिए। तो अगर कोई छोटा देख रहा है ना इसको, तो ध्यान से देखो ये ऐसे करके निकलती है। अब इसको पापड़ को निकाल लेंगे हम, ये देखो ऐसे, ये साबुत निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ये ऐसे ही निकलती थी पहले, तो हम ऐसे ही निकालते थे। सबसे बड़ी बात है कि डांट इसलिए भी पड़ती थी ना क्योंकि बच्चों को मना ही है कि ऐसे, ये देखो अभी निकल नहीं रहे। और दृष्टि आ गई ना कि देख दृष्टि, मैं बचपन में कुकिंग हमने ऐसे शुरू की, मानती है कि नहीं। ये हमारी फर्स्ट डिश है। ओ माय गॉड्स, पापड़ निकल गया, और इसको भी देखो ये पूरा निकल गया ना एक ही बार में, वाह। ये देखो दोस्तों पूरा निकल गया, और ये हमारी जो है पहली डिश है। तो दृष्टि को कुछ खा के देता हूँ, देख दृष्टि खा, खाएगी तो पता लग जाएगा, खा ना। ट्राई, पापा की फर्स्ट कुकिंग स्टाइल है ये। How you like that? क्या ये चीनी? चीनी है ना? देखा, वाह क्या चीज बनाई है। तो चलो, शहद है? नहीं बेटा चीनी है। तो देखो जी, आहा, ये टेस्ट जो है ना, वाह कैसी लगी सच्ची बता, मस्त चीज है ना। ऐसा टेस्ट तो पहले कभी नहीं दिया होगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है क्या? ये हमारे बचपन की डिश है, किसी को देख के हमने कुकिंग शुरू किया, मतलब यही करते बोलते क्या इसको? तो कुछ भी नाम देते, हम तो चिन्नी का पापड़ बोलते थे। कैसे बनाए? तो दोस्तों ये चिन्नी का पापड़ है, आप जरूर ट्राई करना ये चिन्नी का पापड़, बहुत मस्त है। दृष्टि से पूछो, ट्रू ओपिनियन है, बहुत जबरदस्त है ना, अलग एक्सपीरियंस है ना, बहुत जबरदस्त। तो चलो मैं थोड़ा सा और खाता हूँ, ये देखो मजा आ गया, बचपन बचपन याद आ गया, वाह लल्ली पाजी द सीक्रेट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।